तो गाइस आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर ईटीसी दिल्ली का होम पेज ओपन कर रखा है। सो आज की इस वीडियो में हम ईटीसी से रिलेटेड कुछ टॉपिकों पर बात करने वाले हैं और कुछ टॉपिकों को हम जानने वाले हैं कि वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सामने हमारे सिटीजन कॉर्नर। सो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन एट ईटीसी दिल्ली। सो हम यहाँ पर सबसे पहले हमें अगर हमें कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा तो हमें सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए सो हमें यहाँ पर देखिए हम न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के सामने हमारे को सेलेक्ट का ऑप्शन है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमें डॉक्यूमेंट हमारे को सबमिट करने होंगे, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। सो हमारे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें आधार कार्ड या तो वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आधार कार्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमें डॉक्यूमेंट नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करने के बाद हमारे को ये कैप्चा कोड है हमारे सामने। हमें वो कैप्चा कोड भी हमें टाइप करना होगा। देन हम लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं सो हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा और वहाँ फॉर्म पर हमारे से रिलेटेड डिटेल्स हमें फिलअप करनी होगी, जैसे कि हमारा नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो वो हम सारा फॉर्म हमें फिलअप करने के बाद हमारे को कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सो हमने इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। यहाँ पे देखिए हमारे को नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन। रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन जैसे ही अगर हमने यूजर क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसके बाद हम रजिस्टर्ड यूजर्स लॉगिन पर एंटर करते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सिटीजन लॉगिन फॉर्म है हमारे सामने। हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है जिसको हमें फिलअप करने के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यूज़र आईडी टाइप कर दी है। हमें यहाँ अब नेक्स्ट हमारे को पासवर्ड भी टाइप करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्चा कोड। हम कैप्चा कोड भी टाइप कर देते हैं। देंगे लॉगिन। अब यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन हो चुके हैं और हमारे सामने डैशबोर्ड आ चुका है और डैशबोर्ड पे देखिए हमारे से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो जो हमने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर हमने फिलअप की थी वो सारी डिटेल्स हमारे सामने हैं। आप ऐसे लॉग इन कर सकते हो और यहाँ से देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करके सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप चलते हैं हम थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है हमारा कैसे हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को अगर खो देते हैं तो हम कैसे हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं, हम कैसे हम दोबारा पा सकते हैं। हम यूज़र आईडी और पासवर्ड को वापसी पाने के लिए हमें फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। हमें यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे को ये सभी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी होगी। फर्स्ट पहले हम वेदर यू हैड अवेल्ड एनी सर्विस सर्टिफिकेट फॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। अगर आपने इससे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से कोई सर्टिफिकेट या सर्विस कोई भी यूज़ की है, कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है आप उसको डिटेल फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है यस करेंगे। यस करने के बाद आपको नीचे डिटेल्स पूछेगा सर्टिफिकेट नंबर रिलेटेड। अगर आपने नहीं किया है आप नो कर सकते हैं। नो करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड कराए होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड। हमने आधार कार्ड पर क्लिक कर दिया है। एंटर डॉक्यूमेंट नंबर। अब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना होगा। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। हमने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया था हमने यहाँ आधार कार्ड नंबर हमने टाइप कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। हम नेम ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या नाम है हमने वो डॉक्यूमेंट पर नाम जो है हमने फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर सिलेक्ट
कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर ली है। सो नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर। सो हमें यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना होगा, देन जेंडर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आता है हमारे एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी कोई दोनों में से एक प्रोवाइड करानी होगी, ताकि जिसके जो भी आप प्रोवाइड कराते हैं उस पर मोबाइल मैसेज चले जाए आगे आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर। आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं और उस पर मैसेज चले जाएगा। सो हम यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट है गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए द यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बिन सेंड सक्सेसफुली। सो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर पर जा चुका है। सो आप वहाँ से पा सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक योर एप्लीकेशन। सो ट्रैक योर एप्लीकेशन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सो ट्रैक योर एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है, सो हम इस पर क्लिक करते हैं पहले। और ट्रैक योर एप्लीकेशन के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई करी है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है ऑनलाइन ET60 पोर्टल पर, सो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर पेंडिंग है, वो बन चुका है या नहीं बन चुका है। सो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमसे सिलेक्ट डिपार्टमेंट पूछता है। सो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे हम। अगर आप देखिए अगर आपने डोमिसाइल या फिर कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है, सो आप योर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा था, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नॉट फाउंड, क्लिक हेयर। अगर आप डिपार्टमेंट नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने डिपार्टमेंट्स की लिस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं शो करता है, सो आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितने डिपार्टमेंट्स आपके बढ़ चुके हैं। सो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, सो हम रेवेन्यू पर क्लिक करते हैं। सो अप्लाइड फॉर आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करा है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन सी सर्विस के लिए अप्लाई किया था। सो हमने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है, सो डोमिसाइल पर क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट आता है एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो हम एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे। सो हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर टाइप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटर एप्लीकेंट नेम। सो हम यहाँ एप्लीकेंट नेम हमने टाइप कर दिया है। सो नेक्स्ट आता है हमारा आप कैप्चा कोड, हमें यहाँ कैप्चा कोड भी हमें टाइप करना होगा। सो कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देखिए हम सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, सॉरी कैप्चा कोड गलत हो चुका है। सो नेक्स्ट दोबारा से टाइप करते हैं हम, देन सर्च पर क्लिक करते हैं। हमें दोबारा सेलेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इस डोमिसाइल। हम सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नंबर हमारे को शो कर रहा है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट शो कर रहा है हमारे को, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, और हमने किस सर्विस के लिए अप्लाई करा है, किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है वो भी शो कर रहा है। अप्लाई डॉन कौन सी तारीख को अप्लाई किया है हमने, और यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या है। इशू स्टेटस आ रहा है इशू डिलीवर्ड, यानी कि इशू डिलीवर्ड मीन्स हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है और हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरीफाई योर सर्टिफिकेट। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई योर सर्टिफिकेट हमारे को किस काम आता है, जैसे कि मान लीजिए हमने सर्टिफिकेट हमने कहीं सबमिट करा है, जैसे हमने जॉब के लिए सबमिट करा है। अब उन्हें ये जानना है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल है या नहीं, ये डुप्लीकेट तो नहीं है। सो वो वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की पोर्टल पर, आपने जहाँ से सर्टिफिकेट इशू करवाया है, जहाँ से अप्लाई करा है, सो वो यहाँ से वेरीफाई करेंगे। सो हम यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन है। सो हम यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट में हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू सिलेक्ट करने के बाद अप्लाइड फॉर किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है आपने, सो यहाँ हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा हुआ है। सो नेक्स्ट आता है एंटर एप्लीकेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर। सो हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर हमें टाइप करना होगा। सो हम यहाँ
करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एप्लीकेशन नंबर हमने टाइप कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेंट नेम, हमें एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर हमें टाइप करना होगा, यानी कि जिसने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है वो अपना नाम टाइप करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा कैप्चा कोड, हमें यहाँ कैप्चा कोड भी टाइप करना होगा। सो नेक्स्ट है हमारा सर्च, यानी कि हम सर्च पर क्लिक करेंगे। तो हम सर्च पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे को सर्टिफिकेट्स की डिटेल आ चुकी है। सर्टिफिकेट नंबर, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, और किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा हुआ है। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कौन से तारीख को किया हुआ है, प्रेजेंट स्टेटस, ये इशूड हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है, और कौन सी डेट को इशू आया है, और किसने इशू किया है, ये इशू किया गया है तहसीलदार सरिता विहार के द्वारा। सो ऐसे आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वेबसाइट पर। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट। सो हम अपने सर्टिफिकेट को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम जानते हैं। सो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हमें सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा कि हमने कौन से डिपार्टमेंट में हमने किस चीज़ के लिए अप्लाई करा है। सो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेलेक्ट करते हैं। अप्लाइड फॉर, आपने किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, रेवेन्यू के साइट पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर। सो हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। सो हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। सो हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमें सेलेक्ट करनी होगी। सो अब जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करी है, तो हमारे को ये देखिए एक ऑप्शन और आ चुका है, आधार कार्ड। सो हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी हमें टाइप करना होगा। सो हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप कर देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा कैप्चा कोड। सो हम कैप्चा कोड टाइप करेंगे। सो अब देखिए हमारा नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। हम जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कि हमसे ओटीपी पूछेगा, यहाँ से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो कि हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। सो हम ना कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ओटीपी जाएगा। सो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। सो हमें यहाँ पर ओटीपी टाइप करना होगा। सो हम ओटीपी टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ओटीपी टाइप कर दिया है। सो हम कैप्चा कोड पर टाइप करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड। सो हम इस पर क्लिक करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर है हमारा। सो ऐसे आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब होता है हमारा रजिस्टर ग्रीवेंस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर ग्रीवेंस में मतलब ये जान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर ग्रीवेंस, द कॉल सेंटर इज फंक्शनिंग। सुबह 9:30 से 6 बजे तक कॉल सेंटर पे काम चलता है, कॉल सेंटर में अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप 1031 पर कॉल करके उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए नीचे हमारे को ईमेल आईडी भी दे रखी है, द क्वेरी एंड कंप्लेन सजेशन आर ऑल्सो रिसीव थ्रू मेल। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी आप कुछ सजेशन है, सो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू उनको बता सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखिए नीचे है एंट्री फॉर्म फॉर रजिस्ट्रिंग ग्रीवेंस। अगर आप कोई ग्रीवेंस डालना चाहते हैं, सो आप यहाँ इसके ग्रीवेंस टाइप करके आप डाल सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको रिवर्ट आएगा आपके ईमेल आईडी पर। सो आप यहाँ से ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद आप यहां से देखिए ट्रैक कर सकते हैं उसे, ग्रीवेंस आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद, और देन आपको कैप्चा कोड टाइप करना होगा। आप अपने ग्रीवेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, अब यहां से देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको जो जो फॉर्म अवेलेबल है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एसटी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म है यहाँ पे, लैंड स्टेटस के लिए फॉर्म है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, सोलवेंसी के लिए, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये देखिए फॉर्म है यहाँ सामने सोलवेंसी का। सो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म।
अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक है तो बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है यहाँ पे कॉल दशियत डोर टू डोर गवर्नमेंट सर्विसेज नाउ एट योर डोर्स। सो डोर टू डोर सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपके घर पर आपके एग्जीक्यूटिव आएंगे और वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह आपके कलेक्ट करेंगे। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं और आपसे वो सिर्फ 50 रुपये जो फीस होती है उनकी वो लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ये कलेक्ट कर लेंगे। आपको कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं जानना चाहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपनी प्रोफाइल में अपडेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस और लोकेलिटी, पिन कोड, स्पाउस नेम हमें चेंज करना हो तो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले हम रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र आईडी टाइप करेंगे, देन हम पासवर्ड टाइप करेंगे। देन लॉगिन, अब यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया है, हमारे सामने डैशबोर्ड आ चुका है हमारे और सामने बाई प्रोफाइल शो कर रही है। सो हमें सिंपल अगर हमें अपडेट करना है अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सो हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे से रिलेटेड हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमारे सामने रजिस्ट्रेशन आईडी है, हमारी किस कौन से आईडी प्रूफ से हमारी आईडी क्रिएट हुई है वो उसकी डिटेल है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम। सो देखिए आप यहाँ पे देखिए हमारे जो स्टार्टिंग में है हमारी बेसिक डिटेल्स, सो इन हमारे रजिस्ट्रेशन आईडी और आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हम जैसे कि हम यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं चेंज कर सकते, ये डिपार्टमेंट लॉगिन से ही चेंज हो सकता है। बाकी हमारे को अगर हमें स्पॉस नेम, हाउस नंबर, हमारे को एड्रेस, लोकेलिटी, पिन कोड हमें चेंज करना हो सो हम वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं। सो सिंपल हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हम स्पॉस नेम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हम एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पर यस करते हैं। मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं सो आपको मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ये एडिटेबल है। सो नीचे ईमेल एड्रेस है, आप वो भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट फोटो वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपने डिटेल अगर फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना होगा। सो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ओटीपी एक्सपायर्ड, न्यू ओटीपी फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज सेंड ऑन एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। सो ओटीपी आएगा तो फिर ओटीपी को आपको यहाँ पर ओटीपी वाले सेक्शन में आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब जैसे सबमिट करेंगे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। सो ऐसे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो हम आज आपको बताना चाहते थे और हमने आज आपको बताए भी हैं। सो गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई इशू हो सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।